हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बिना घी से, बिना कद्दूकस किए और बिना प्रेशर कुकर के हम मिनटों में बिल्कुल हलवाई जैसे शादियों वाले गाजर का हलवा बनाएंगे। और इस तरीके से अगर आप बनाना देख लेंगे तो मेरी तो गारंटी है कि आप पुराने सारे तरीके छोड़ के इस तरीके से ही गाजर के हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने सीजन वाले रेड गाजर ली हूँ और गाजर को यहाँ मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब हम चाकू से इसके आगे और पीछे वाले भाग को इस तरीके से कट कर लेंगे और चाकू से हल्के से इसे ऊपर से नीचे की तरफ चाकू चलाते हुए हम इसके जड़ को इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। या फिर आप इस तरीके से पीलर से इसे अच्छे से पील कर सकते हैं, जिससे इसके सारे ऊपर वाले भाग के गंदगी क्लीन हो जाएगी। तो सेम तरीके से हम सारे गाजर को इस तरीके से साफ़ कर लेंगे या क्लीन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, मैंने इसे क्लीन करके अच्छे से धो लिया है। और अब हम एक नाइफ या चाकू लेंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। इस तरीके से काटने में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप बहुत आसानी से किलो किलो गाजर को इस तरीके से कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, मैंने सारे गाजर को भी अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। जैसा आपको ईजी लगे आप वैसे काटें, ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हलवा आपका बहुत ही बढ़िया और शानदार बनेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे गाजर को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के मिक्सर जार का यूज़ की हूँ। और अब हम जार में गाजर डाल करके इसे बिल्कुल बढ़िया से और दरदरा पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ गाजर हमारा बहुत ही बढ़िया और दरदरा ग्राइंड हो गया है। हमें इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है क्योंकि हम इसे हलवा के लिए ही यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं, सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे गाजर को अच्छे से ग्राइंड करके प्लेट में निकाल ली हूँ। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। और जब भी आप इस तरीके से मीठा या हलवा बना रहे हैं तो आप मोटे तले वाले बर्तन का यूज़ करें। यहाँ मैंने मोटे तले वाले कढ़ाई का यूज़ की हूँ। और कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमे घी का यूज़ किया है। आप अगर मेल्टेड घी का यूज़ कर रहे हैं तो 8 से 10 चम्मच डालें। और अब हम घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें ग्राइंड या पिसी हुई गाजर डालेंगे। और गाजर डालकर हम इसे अच्छे से कढ़ाई में चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कढ़ाई में नीचे की साइड गाजर चिपकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे गाजर को कढ़ाई में डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि गाजर में बड़े बड़े भी टुकड़े रह गए हैं, तो आप टेंशन नहीं लें क्योंकि ये जैसे जैसे पकेगा गाजर काफ़ी अच्छे तरीके से हलवे के साथ सॉफ्ट हो जाएगा और इसके बड़े टुकड़े भी अच्छे से सारे मैश हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं, गाजर के हलवे को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। यहाँ मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाते हुए भूनते हुए पकाई हूँ, जिससे गाजर का कलर चेंज हो गया है। यहाँ आप जब भी गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर ले तो आप ताजे सीजनल लाल गाजर का ही यूज़ करें, उससे हलवा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने पैन में 1/2 लीटर दूध डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दिया था और इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल के इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए पका ली हूँ। और आप देख सकते हैं, दूध हमारा बहुत ही बढ़िया और गाढ़ा बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैंने सिर्फ दूध और मिल्क पाउडर का यूज़ की हूँ और हमारा बहुत ही बढ़िया गाढ़ा दूध बन के तैयार हो गया। ये दूध के साथ मावा का भी फ्लेवर देगा। इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। और अब हम गाढ़े दूध को हलवे में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप चाहे तो 20 से 25 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई भी कर सकते हैं और उसके बाद स्लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। क्योंकि दूध हमने यहाँ डाला है तो हो सकता है कि हलवा तले में लगे, लेकिन अगर आप मोटे तले वाले कढ़ाई या बर्तन का यूज़ करेंगे तो हलवा आपका गारंटी है, बिल्कुल भी तले में लगेगा नहीं और बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और अब हम हलवे को दूध के साथ अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं, हलवा दूध को आप काफ़ी अच्छे से सोख लिया है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है।
और इस टाइम पे हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ मैंने 4 छोटी इलायची ली हूँ, और अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे या हम इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं हलवा हमारा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक गई है। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, इस तरीके से आप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे तो हलवे में चीनी और इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और चीनी हमारे हलवे के साथ काफ़ी अच्छे से और जल्दी मिक्स भी हो जाएगी और पकेगी भी। और अब हम हलवे में अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम चीनी को अच्छे से हलवे के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने चीनी ऐड किया है तो हलवा अभी काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पका सकते हैं, जिससे चीनी का मॉइस्चर जल्दी हलवे के साथ पकेगा और मॉइस्चर जल्दी सूख भी जाएगा। और अब हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हलवा हमारा बहुत अच्छे से भुनेगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा। शादियों वाले हलवा बनाने के लिए आपने देखा होगा कि हलवाई कंटिन्यू हलवा को चलाते रहते हैं और भूनते रहते हैं, तभी इसका टेक्सचर और ज़्यादा बढ़िया और फ्लेवरफुल होता है। और अब हम हलवे में 2 चम्मच और घी डालेंगे, जिससे हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा घी डालकर इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो इस तरीके से हलवा बनाकर आप इसे 1 सप्ताह के लिए भी स्टोर करके खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और सर्दियों में इस तरीके से आप गाजर का हलवा 1 दिन बनाए और हफ्ते भर खाए, ये उसका स्वाद बिल्कुल फर्स्ट दिन के ही जैसा बना रहेगा। और आप देख सकते हैं घी डालकर यहाँ मैंने हलवे को अच्छे से चलाते हुए फिर से भून लिया है, जिससे घी सारे हलवे में अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब आप देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं हलवा बिल्कुल बढ़िया से कढ़ाई छोड़ा, इसका मतलब है कि हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने काजू और आलमंड को बिल्कुल बढ़िया से बारीक कट कर ली हूँ और अब हम इसे हलवे में डालेंगे। हलवे में डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हलवे का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया ड्राई फ्रूट में आ जाएगी। आप चाहे तो अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा बन के तैयार हो गई है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हलवे को ठंडा होने देंगे। और यहाँ मैंने हलवे को प्लेट में सर्व कर ली हूँ, या मैंने इसके ऊपर बादाम और काजू से सर्व की हूँ। आपको ये रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आप सभी के लिए और ऐसे इजी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी लाती रहूँगी। और इस तरीके से आप ढेरों गाजर का हलवा मिनटों में बना सकते हैं और इसका स्वाद और फ्लेवर बिल्कुल ही और ट्रेडिशनल गाजर के हलवे के जैसा ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से हलवे बनाएं तो मेरे साथ अपना फीडबैक और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ।